हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की बात है। हाफ लाइफ होती है उतना टाइम कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को आधा होने में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 100 किलो यूरेनियम है, मान लेते हैं 100 किलो यूरेनियम, किसी के पास नहीं होता, कह रहे 100 किलो यूरेनियम कब 50 केजी यूरेनियम बन जाएगा, मतलब क्योंकि वो टूटता रहता है, 50 केजी यूरेनियम कब बन जाएगा, वो उस जितना टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ होती है। ठीक है, हर किसी चीज़ की हाफ लाइफ अलग अलग होती है और हाफ लाइफ काउंट करते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बात को कि जितना 100 से 50 होगा उतना ही टाइम लगेगा 50 से 25 होने में, उतना ही टाइम लगेगा 25 से 12.5 होने में। हाफ लाइफ का मतलब है जितना भी है उसका आधा, जितना भी है उसका आधा, जितना भी है उसका आधा। तो अब हम हाफ लाइफ देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं, हम लोगों को पता है के इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर में आर नॉट माइनस आर, कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। लेट कर लेते हैं टी को हाफ लाइफ के टाइम पे, मतलब टाइम फॉर आधा कंसेंट्रेशन। तो फिर जितनी अभी कंसेंट्रेशन है वो भी आधी होगी, आर नॉट तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो टी हाफ लेंगे तो कंसेंट्रेशन भी तो इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी होगी। पुट करेंगे इसे इस इक्वेशन में, आर नॉट माइनस हाफ आर नॉट अपॉन टी हाफ। आर नॉट में से हाफ आर नॉट काटा तो आर नॉट बाई टू बच गया, टी हाफ। के इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू टी हाफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, आर नॉट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन टू के। सिंपल। अब जीरो ऑर्डर के बाद हम लोग आ गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ निकालने के लिए के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, जो कि हमारी होती ही है। अब हम क्या करेंगे, टी को टी हाफ लेंगे तो आर को आर नॉट बाई टू लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ लाइफ आधे कंसेंट्रेशन का टाइम है। टी की जगह पे टी हाफ लगाया, आर की जगह पे आर नॉट बाई टू लगाया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, टू पर गया। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 0.3010 होती है, इसे याद ही कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पुट करा 2.303 में 0.3010 को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ये है हमारी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए थी टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के, और टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। ठीक है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ पे इसी पे हाफ लाइफ पे दो सिंपल एग्जांपल्स हैं, 4.7 और 4.8 आपकी एनसीईआरटी के। 4.8 वाला जो है ना, इसको ध्यान से देखना जब मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल है ये काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो चलो 4.7 देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू 5.5 × 10⁻¹⁴ पर सेकंड है, टी हाफ निकालो। क्या सिंपल फॉर्मूला लगाओ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। के की वैल्यू गिवन है 10⁻¹⁴ है, ऊपर जाके 14 हो जाएगी, दोनों को डिवाइड किया, टी हाफ इज इक्वल टू 1.26 × 10³ सेकंड। मेरी वाली एनसीईआरटी में 10⁻¹⁴ सेकंड लिखा था, बट वो गलत है, क्योंकि आपको अपने आप करके देखना है, कभी भी एनसीईआरटी में से नहीं देखना। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के की वैल्यू पुट करी, दोनों को डिवाइड किया, पावर जो भी है मल्टीप्लाई वो ऊपर चले गई, सॉल्व हो गया, वेरी इजी इट इज़। अगला जो क्वेश्चन है उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 4.8 के, शो दैट टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट हो चुका है, उसका जो टाइम टेकन है इज 10 टाइम्स हाफ लाइफ, वो 10 गुना है हाफ लाइफ के टाइम से। ठीक है, जितना 99.9% का टाइम है वो 10 टाइम्स है 50% के टाइम से, 50% मतलब हाफ लाइफ के टाइम से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693 बाय के, इसे मान लो इक्वेशन वन और साइड कर दो। अब 99.9% के लिए निकालेंगे, तो फॉर्मूला है टी इज इक्वल, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी है, तो टी को इधर ले गया, के को इधर ले आया, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर, डन। आर नॉट तो वही रहेगा, आर क्या होगा, आर होगा अब कितना बचा है, कितना खत्म हो चुका है 99.9। ठीक है, तो आर नॉट माइनस 0.999, 99.9% का मतलब 99.9 अपॉन 100, 100 से करोगे तो 0.999 बच जाएगा। आर नॉट में से 0.999 आर नॉट हटाएंगे तो बचेगा 0.001 आर नॉट,
0.001 आर नॉट का मतलब है 10^-3 आर नॉट, तो आर इज इक्वल टू 10^-3 आर नॉट, इसे यहाँ पुट करेंगे ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट अपॉन 10^-3 आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 10^-3 ऊपर जाके 10^3 हो जाएगी, टी इज इक्वल टू बन जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10^3, लॉग 10^3 जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, लॉग 10 1 हो जाता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2.303 से बन जाएगा टी इज इक्वल टू 6.909 बाई के, इसे मान लो इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, टी अपॉन टी हाफ रख दो, टी अपॉन टी हाफ का मतलब 6.909 बाई के अपॉन 0.693 बाई के से के कैंसिल, 6.9 0.69 डिवाइड किया ऊपर 10 आ गया, टी इज इक्वल टू टी हाफ को मल्टीप्लाई में लगे टी इज इक्वल टू 10 टी हाफ, कहने का मतलब है जो 99.9% का टाइम है वो 10 गुना है टी हाफ से, अराउंड 10 गुना, आप यहाँ से पूरा डिवाइड करने पे जाओगे तो 9.9 आएगा, बट आप उसे 6.9 और 0.69 करो क्योंकि जो प्रूव करना है वही तो प्रूव कर दो, कुछ और प्रूव मत करो, ठीक है, सीधा पुट किया सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में भी काफ़ी बार आ जाता है 4.8, इसे ढंग से अच्छे से करना, ठीक है, 4.7 4.8 दोनों हाफ लाइफ पे डिपेंडेंट है। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे एक रिएक्शन है CH3COOC2H5+H2O, एच पॉजिटिव के प्रेजेंस में बनाता है CH3COH और C2H5OH। एक और रिएक्शन है C12H22O11, ये आपका वो है जो भी कहते हैं इसे कार्बोहाइड्रेट, और H2O के साथ रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, इन दोनों, ये दोनों हैं एक ही चीज़ पर फिर भी अलग अलग स्ट्रक्चर है इसलिए अलग अलग लिखा गया है। अब इन दोनों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है, अगर हम दोनों का रेट निकालें तो पहला रेट निकलता है K डैश ले लिया लेट कर लिया H2O का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, सेम इसमें भी रेट लिया K डैश H2O कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन। अब जिस भी रिएक्शन में H2O होगा वाटर की कंसंट्रेशन होगी, तो आपको एक बात से निश्चिंत हो जाना है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, इट डजंट चेंज विद टाइम, तो जब वाटर की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही तो वो कांस्टेंट है, तो लेट कर लेते हैं K इज इक्वल टू K डैश इंटू वाटर की कंसंट्रेशन, दोनों जगह पे हमने लेट किया, और फिर ये रिएक्शन बन जाती है रेट इज इक्वल टू के CH3CO C2H5 या फिर रेट इज इक्वल टू के C12H22O11। आप यहाँ पे दोनों में देखें ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ पे ये दोनों काम कर रही हैं या डिपेंडेंट है। वो रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर है नहीं है तो वो दो चीज़ों से पे डिपेंडेंट, बट बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर जैसे, जो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं बट जो बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर जैसे, उनको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शंस विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, सिंपल है, जहाँ पे भी आपको वाटर दिखे आप उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घोषित कर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घोषित कर देना, ठीक है, क्लियर है, ये आ गया हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट, टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट। तो इसको एक ही पॉइंट पे ख़त्म कर सकते हैं हम कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं एक्स है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे वो 2x हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे वो 4x हो जाएगा, 130 डिग्री सेल्सियस पे वो 8x हो जाएगा, ठीक है, हर 10 डिग्री बढ़ाने से जो पावर जो वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन की वो डबल हो जा रही है, ठीक है, तो सिंपल है अराउंड डबल हो जाती है, ज़रूरी नहीं है 1.9 टाइम्स भी हो सकती है 2.1 टाइम्स भी हो सकती है, तो अराउंड डबल हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे अरेनियस, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो आप आगे यूज़ करने वाले हैं काफ़ी रिएक्शंस में और काफ़ी सॉरी न्यूमेरिकल्स में, और वो है अरेनियस इक्वेशन जो कहती है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर के तो अपना वही है कॉन्स्टेंट, ए इज द अरेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, ई की पावर ई ए बाय आर टी का मतलब है जब ये एंटी लॉग है, ई की पावर जब भी आती है ना किसी चीज़ पे इसका मतलब वो एंटी लॉग होता है, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ ई ए माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी इज द टेम्परेचर, तो के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और ये है आपका अरहेनियस इक्वेशन।
ए पता चल गया, ई ए पता चल गया। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो अरेनियस ने एक्सप्लेन करा कि मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है H2+I2 gives 2HI, ठीक है, तो वो कैसे बनती है। पहले रिएक्शन से पहले H और H का एक मॉलिक्यूल और I और I का एक मॉलिक्यूल होता है, फिर वो जुड़ते हैं और बनाते हैं एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक है, जो हमें रिएक्शन में दिखती नहीं है। इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी भी कह सकते हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी बनता है तो ये सब एक दूसरे से बॉन्ड कर लेते हैं, फिर एच और एच अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, आई और आई अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, एच आई एक साथ हो जाता है, एच आई एक साथ हो जाता है, दो एच आई बन गए जो रिएक्शन में, ठीक है। तो अरेनियस ने बोला कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसको इंटरमीडिएट बनाना या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना कंपलसरी है, और दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाएगी, एक बार इंटरमीडिएट बन गया तो खुद ब खुद प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, और इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है अपना अरेनियस कंसेप्ट। तो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक कर्व बनाया है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट तीन पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है H2+I2, ठीक है, रिएक्टेंट वाला, और उसमें एनर्जी है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ए पॉइंट जहाँ पे, फिर ये जाएगा सी पे और सी से आएगा बी पे। याद रखिए ए और बी के बीच में जो गैप है ये एनर्जी है डेल एच, ये एनर्जी रिलीज्ड है। ए पे ज़्यादा एनर्जी थी, बी पे कम एनर्जी है ना, तो एनर्जी रिलीज्ड है। अब इस कर्व में आप ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं कि ए से सी पे अगर पॉइंट पे नहीं गया रिएक्टेंट से, सी पॉइंट क्या अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जाएगा तब ही वो बी पे आएगा। तो ए से सी पे जाने के लिए ये पूरी एनर्जी, ये ए से सी तक की एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायर्ड ए से सी तक पहुंचाने के लिए, फिर तो वो कर नीचे खिंच जा रहा है, वो खुद हो जाएगा। ए से सी तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे हम कहते हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में, आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो पहले ए से सी जाएगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और फिर वो वापस आके बी पे आएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। दो और साइंटिस्ट आए अरेनियस के बाद, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने, और इन्होंने भी एक कर्व दिया अरेनियस के बाद का, मतलब अरेनियस के बाद हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का कर्व, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का कर्व। अब ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास 100,000 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 50,000 है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी वो होती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं 10 लोग हैं, 3 की काइनेटिक एनर्जी 100 है, 5 की 800 है, 2 की 300 है, तो मोस्ट प्रोबेबल हो गई, क्योंकि 5 हैं तो मोस्ट प्रोबेबल हो गई 800। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, जिन लोगों की सबसे ज़्यादा सेम काइनेटिक एनर्जी हो वो है मोस्ट प्रोबेबल। तो इसमें पहला वाला कर्व देखें, T+10 का कर्व नहीं देखें, T वाला कर्व देखें, और जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये वाली है जो भी होगी, ठीक है, एट टेम्परेचर T। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, देखो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि जी रेट डबल हो जाता है, तो ये कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा, और ये कर्व आगे को ऐसे भट जाएगा। देखो कर्व जो ऊंचा था अब वो कर्व नीचे आके इधर आ गया, ठीक है। फ़र्क क्या हुआ, अब काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी थी, काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल वाली चेंज होके ये बन गई है, ठीक है। 10 डिग्री बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है इन वाले मॉलिक्यूल्स की। ज़्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि जितना इधर से इधर आते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है 10 डिग्री बढ़ाने से, और रिएक्शन जो कर्व है आपका वो फ्लैटन हो गया। ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच का कर्व। ये आपकी बुक में दो है, एक खाली ये है और एक ये दो वाला है, तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है। आप बुक को कंसिडर कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, और फिर कंसल्ट करके इसको और इसको बना सकते हैं। दो कर्व्स हैं, इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं।
तो अब हम अपनी अरेनियस इक्वेशन जो कि है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, एक्सपोनेंशियल मैंने आप लोग बताया था एंटी लॉग है, इसको हम लॉग कर रहे हैं बाय टेकिंग लॉग्स एट बोथ साइड। के का बन जाएगा नेचुरल लॉग के, ए का बन जाएगा नेचुरल लॉग ए, और ये पूरा जो एंटी लॉग है वो ऊपर पूरा का पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है वो पावर की जगह डायरेक्टली सामने आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी। अगर इसमें एल एन के और टी का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एल एन के और वन बाई टी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बट माइनस में है, तो क्योंकि माइनस में है तो वो नीचे को ऐसे आएगा स्लोप, और स्लोप बन जाएगा ई ए बाय आर, जो बचा है इंटरसेप्ट बन जाएगा एल एन ए जो कि साइड में है। ये आपको ग्राफ अगर आएगा तो आप बना सकते हैं एल एन के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट माइनस में है इसलिए नीचे को आ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब इसी के साथ हम दूसरी बात ये देख रहे हैं कि मान लेते हैं दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दो रिएक्शंस ले लेते हैं। एट टेम्परेचर टी वन एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी वन, एट टेम्परेचर टी टू सेम वही बात एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी टू। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए से एल एन ए तो कट जाएगा, बचा क्या ये पूरी वैल्यू माइनस ई ए बाय आर टी टू माइनस माइनस प्लस ई ए बाय आर टी वन। जब भी आपको बताएं लॉग ए माइनस लॉग बी इजिकल टू लॉग ए ए बाई बी, ई ए बाय आर कॉमन लिया क्योंकि प्लस का वन बाई टी है तो ये आगे आ गया, और वन बाई टी टू माइनस का है ये पीछे आ गया। एल एन को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.303 लॉग होगा, 2.303 को नीचे फेंक दिया, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट ओपन वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ये हमारी इक्वेशन एरेनियस की जब दो टेम्परेचर के लिए आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है, इस पर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और शायद इस चैप्टर का सबसे टफ न्यूमेरिकल इसी पे आ जाता है। तो आपको समझना होगा कि अगर दो टेम्परेचर दे रखे हैं दो के दे रखे हैं तो सीधा ये वाली इक्वेशन लगानी है, पुट करना है, सॉल्व होएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉक करके निकाली और फिर ये टोटल दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए हमने ये क्वेश्चन इक्वेशन निकाली। तो इसी बात पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4.10, और ये क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है टी वन टी टू, के दे रखा है के वन के टू, ई ए निकालना है और ए निकालना है। सबसे पहले ई ए निकालना पड़ेगा तभी ए निकलेगा, तो ई ए के लिए हमें निकालना पड़ेगा लॉग के टू बाई के वन, अभी जो करा हमने ई ए अपॉन 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। के टू है 0.07, के वन है 0.02, ई ए की वैल्यू ये रही 2.303, आर की वैल्यू 8.314, वन अपॉन टी वन 500 टी टू 700, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे सॉल्व करेंगे, लॉग 7/2 निकालेंगे सबको उधर फेंकेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 18230 जूल, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में रहेगी याद रखना। अब निकालना है हमें ए, तो के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, आपको ये अरेनियस इक्वेशन पता है। के दोनों में से कोई भी ले लो, या तो ये वाला या ये वाला, ये वाला ले लिया तो 0.02 ए की ए ई की पावर माइनस 1.18230 ये रहा, आर तो 8.314, और टी वही वाला लेना है जो के वाला लिया है 500। इस पूरे को डिवाइड करोगे, इसका एंटी लॉग निकालोगे, डिवाइड करोगे 0.02 से, आंसर आ जाएगा 1.61। आपको आंसर यहीं छोड़ देना है, मतलब इस पूरे को नीचे रख के छोड़ देना है क्योंकि एंटी लॉग आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को एंटी लॉग बता दूंगा तो आपको दिक्कत ना हो, पर नॉर्मल है, इसको पहले डिवाइड करके सॉल्व होएगा, जो भी वैल्यू है उसकी एंटी लॉग निकलेगा, एंटी लॉग 0.02 से डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1.61। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। कैटलिस्ट आप लोगों को पता ही है एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन के अंदर जाता है, अपने आप को बिना चेंज करे आ जाता है और रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। तो वो चीज़ जो अपने आप को बिना चेंज करे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ऑल्टर कर दे, उसे हम कहते हैं एक कैटलिस्ट। आप लोगों को ये ग्राफ तो याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, ए से सी जाता था फिर बी आता था, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट डाल दें तो देखें ये डॉटेड लाइन जो है वो कैटलिस्ट के साथ है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है, ये विद कैटलिस्ट है। देखें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब एक कैटलिस्ट होता है। तो ये बिलीव करा जाता है कि कैटलिस्ट जो है वो एक रिएक्शन को किसी और जगह से ले आता है, किसी और पाथ से ले आता है, तो रास्ता छोटा कर देता है, रास्ता छोटा करने की वजह से, शॉर्टकट अपनाने की वजह से उसमें एनर्जी कम लगती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है तो रिएक्शन जल्दी चलेगी ऑब्वियसली। और ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ग्राफ बनाने को अगर एक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आए भी तो भाई ग्राफ तो पक्का कंपलसरी बनाना है, छोड़ना नहीं है। कोलिजन थ्योरी ऑफ
केमिकल रिएक्शन, ये हमारा पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको हम शुरू करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी का अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से चल सकते हो, आपको एनसीईआरटी से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि रिएक्शंस अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी एक रिएक्शन है, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, तो ये ए प्लस बी प्लस गिव सी का मतलब है सी तभी बनेगा जब ए और बी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे। तो रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि सारे कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं। हाँ, कोलिजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कोलिजन्स के बिना रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, पर ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं, आर दोज कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी। एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ जब तक दो मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तब तक रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। दूसरी बात है प्रॉपर ओरिएंटेशन के हिसाब से, किस एंगल में वो जुड़ रहे कोलाइड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो चीज़ें मेन है, पहली बात सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, दूसरी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं कोलिजन थ्योरी के हिसाब से, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ए और बी के बीच में क्या कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड, और प्रोबेबिलिटी कितनी है रिएक्शन करने की। प्रोबेबिलिटी को हम स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, कोलाइड करने के बाद रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये दोनों चीज़ें। ई की पावर ई ए बाई आर टी तो आप लोगों को पता ही है, वेयर ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज़ दी गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। तो रेट आ जाता है पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी कोलिजन थ्योरी के हिसाब से।